बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे सेंसरी रिसेप्टर्स इन इनवर्टिब्रेट्स, जिसमें आज हमने स्टडी करना है फोनो रिसेप्टर एंड फोटो रिसेप्टर्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास है फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर की बात करें हम, तो ये वो रिसेप्टर हैं जो साउंड वाइब्रेशंस को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो चलते हैं, हम देखते हैं फोनो रिसेप्टर्स को। स्टूडेंट्स, ये साउंड के हमने कहा कि रिसेप्टर्स हैं, तो सबसे पहले जो हमारे पास रिसेप्टर मौजूद है फोनो रिसेप्टर में, वो है टेम्पेनिक और टेम्पेनल ऑर्गन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको नज़र आएगा क्रिकेट में, ग्रॉस हूपर में, उसके अलावा साइकिड्स में। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या होता है, एक टेम्पेनम होती है, टेम्पेनम एक मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, और इस टेम्पेनम के बिल्कुल नीचे क्या होता है, सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं। अब क्या होगा बच्चे, कि जब भी कोई साउंड जो है वो इनकी सराउंडिंग में मौजूद होगी, कोई भी साउंड की प्रेजेंस जो है क्या होगी, कि जिसने क्या होता है, ये जो सैक है इसको सराउंड किया हुआ है, जब भी कोई साउंड इनके एनवायरनमेंट से इनको मिलेगी, ठीक है, साउंड का यूँ कह लें कि स्टिमुलस मिलेगा, तो ये जो टिम्पेनम है, ये जो थिक वॉल है, ठीक है, इसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। इसके अंदर जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा कि ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद हैं वो उस वाइब्रेशन को, या यूँ कह लें कि उस स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, और ये स्टिमुलस फर्दर क्या करेगा, जनरेटर पोटेंशियल इंड्यूस करेगा, और वो जो एक्शन पोटेंशियल है वो ब्रेन की तरफ चला जाएगा कि इस एरिया के अंदर क्या हुआ है, साउंड प्रोड्यूस हुई है। अगेन बता रही हूँ कि ये टिम्पेनम जो है ये थिक रिजिड वॉल है जिसने एक सैक को कवर किया हुआ है। जब भी कोई साउंड एनवायरनमेंट के अंदर प्रोड्यूस होगी तो ये टिम्पेनम की जो वॉल है, जैसे हमारे कान का पर्दा होता है, ठीक है, उसके अंदर वाइब्रेशन होती है, सेम इसी तरह से इस टिम्पेनम में वाइब्रेशन होगी। ठीक है, जब इसमें वाइब्रेशन होगी तो इस सैक में से होती हुई जो क्या है कि जो स्टिमुलस है वो जाएगा सेंसरी न्यूरॉन के पास, और सेंसरी न्यूरॉन इस मैसेज को भेज देंगी ब्रेन के पास। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है स्लिट सेंस ऑर्गन। स्लिट सेंस ऑर्गन जो है बच्चे, ये आपको अरेक्निड्स में नज़र आते हैं, और ये अरेक्निड्स में उनकी क्यूटिकल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो और ये भी क्या करते हैं, साउंड वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करते हैं, उनको रिसीव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गन ऑफ टोमोस्फेरी। स्टूडेंट्स, ये आपको सेंटीपीड्स में नज़र आएगा, ठीक है, पर इनकी जो फिजियोलॉजी है, जो टोमोस्फेरी की फिजियोलॉजी है, वो अभी तक पुअरली अंडरस्टूड है, उसको अभी तक क्या है कि ठीक से स्टडी नहीं किया गया, इन डिटेल स्टडी नहीं किया गया। नेक्स्ट हमारे पास है फोटो रिसेप्टर्स। बच्चे, फोटो रिसेप्टर्स जो है, नाम से आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, कि सेंसिटिव टू लाइट है, लाइट की जो इंटेंसिटी कह लें, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस कह लें, उसको इन्होंने क्या करना है, लाइट में जो चेंज है उसको डिटेक्ट करना होता है, किसने, फोटो रिसेप्टर्स ने। बच्चे, फोटो रिसेप्टर्स के लिए क्या होता है कि रिसेप्टर्स के अंदर मौजूद होते हैं लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स। ठीक है, ये लाइट सेंसिटिव पिगमेंट जो है ये लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, लाइट की इंटेंसिटी, कुछ जो है लाइट की इंटेंसिटी जिन पे इफेक्ट करती है, कुछ पे लाइट की प्रेजेंस। ठीक है, अब बच्चे लाइट सेंसिटिव पिगमेंट हमारे पास कौन से हैं, कैरेटिनाइड्स हैं, एंड्रोडॉप्सिन्स हैं। ठीक है, कुछ इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर आपको कैरेटिनाइड्स नज़र आते हैं, कुछ के अंदर एंड्रोडॉप्सिन्स नज़र आती हैं। तो बच्चे ये पिगमेंट्स जो है ये क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और इन रिजल्ट जो है क्या होता है कि जो हमारे पास एनिमल है वो रिस्पॉन्ड करता है, टूवर्ड द लाइट मूव करता है और अवे फ्रॉम द लाइट मूव करता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन रिसेप्टर्स को स्टडी करें, तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है स्टिग्मा। बच्चे, स्टिग्मा जो है, ठीक है, ये क्या है, ये ऐसा रिसेप्टर है जो मौजूद है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में। अब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ की एग्जाम्पल अगर हम लें तो हमारे पास यूगलीना है। ठीक है, इसका क्या होता है कि एक फ्लैजेला इसका बड़ा होता है, एक छोटा होता है। बच्चे, अब हमारे पास जो स्टिग्मा है ये क्या है कि ये क्लोरोफिल के अंदर मौजूद है, और इस स्टिग्मा के अंदर ब्राइट मैस ऑफ जो है यूँ कह लें कि रेड पिगमेंट मौजूद है, जिसे ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में। ठीक है, और वो रेड पिगमेंट कौन सा है बच्चे, वो है कैरोटीनाइड। कैरोटीनाइड पिगमेंट मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल, और ये ब्राइट रेड लाइट को क्या है, उसके लिए सेंसिटिव है। अब बच्चे, स्टिग्मा जो है वो इट्सेल्फ जो है फोटो रिसेप्टर नहीं है, बल्कि ये क्या करता है,
ये हेल्प करता है फोटो रिसेप्टर को। किस तरह से बच्चे, ये देखें, ये आपको ये स्टिग्मा नज़र आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे बिल्कुल स्टिग्मा के नीचे, ये जो ब्लू में ये और ये नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये यहाँ पे इसके नीचे क्या है कि फोटो रिसेप्टर मौजूद है। तो जो स्टिग्मा है वो एज ए शील्ड एक्ट करता है, ठीक है, उसके नीचे जो, अगर फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज माई, दिस हैंड इज़ रिसेप्टर और ये स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा क्या करता है कि फोटोरिसेप्टर को शील्ड करता है, उसके लिए प्रोटेक्शन का काम करता है। अब लाइट जो है ना बच्चे, वो उसके पास जस्ट वन डायरेक्शन से आ सकती है, ठीक है। अब जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, यूग्लिना ने उसी डायरेक्शन में मूव करना है, क्योंकि हमें पता है कि यूग्लिना के अंदर क्लोरोफिल है, तो यूग्लिना ने क्या करनी है, फोटोसिंथेसिस करनी है। तो मतलब कि स्टिग्मा जो है वन डायरेक्शन ऑफ लाइट जो है उसको डिटेक्ट करवाता है, उसे यूग्लिना को एक डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए स्टिग्मा मौजूद है, एक साइड से वो लाइट को रोक लेगा और दूसरी साइड से लाइट आ रही होगी तो जो यूग्लिना है वो उसी साइड पे मूव करेगा। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास यूनिसेलुलर फोटोरिसेप्टर्स। हमारे पास ऐसे भी फोटो रिसेप्टर हैं जो सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल हैं बच्चे। ये जो ऐसे रिसेप्टर जो हैं, ये आपको अर्थवर्म के अंदर नज़र आएंगे, ठीक है, ये सिंपल यूनिसेलुलर फोटो रिसेप्टर हैं, जस्ट एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। ये या तो आपको अर्थवर्म की पूरी एपिडर्मिस के ऊपर स्कैटर्ड फॉर्म में नज़र आएंगे, ठीक है, या फिर ये क्या होंगे, किसी पार्टिकुलर एरिया के अंदर जो है ये कंसंट्रेटेड होंगे, जमा हुए होंगे, ठीक है। और काम इनका क्या है, बिल्कुल वैसे ही है कि फोटोरिसेप्टर को शील्ड करना और लाइट को डिटेक्ट करना फ्रॉम वन साइड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे ऑसिलस, ठीक है। अब ऑसिलस जो है ये हमारे पास क्या है, मल्टी सेलुलर फोटोरिसेप्टर है, मल्टी सेलुलर फोटोरिसेप्टर है ऑसिलस। बच्चे ऑसिलस की अगर हम बात करें तो ऑसिलस में क्या होता है कि आपके पास ऑसिलस जो है एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और इसके जो बैक साइड है वहाँ पे क्या होता है, लाइट सेंसिटिव सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम रेटिन्यूलर सेल्स कहते हैं। और इस कप के अंदर, इसके बैक साइड पे ये जो सेल्स हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं पिगमेंट्स। ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब ये बच्चे लाइट ऑसिलस जो है ना, ये क्या करता है, ये लाइट डायरेक्शन को और लाइट इंटेंसिटी को, इन दोनों को डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब बच्चे क्या होता है कि ये जो आपके पास आपको नज़र आ रहे हैं रेटिन्यूलर सेल्स और इनके अंदर पिगमेंट मौजूद हैं, ये क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। इनके बैक पे आपको नज़र आ रही होंगी सेंसरी न्यूरॉन्स, दीज वंस आर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, ये आपके पास क्या है, सेंसरी न्यूरॉन है। बच्चे जब लाइट आ रही है, फॉर एग्जाम्पल इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, इनको क्या किया, पिगमेंट्स ने एब्जॉर्ब किया, तो बच्चे अब होगा क्या कि ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो है इनके अंदर जनरेटर पोटेंशियल इनिशिएट होगा और जो भी मैसेज है, जो नर्व इम्पल्स है, वो कहाँ जाएगी, ब्रेन के पास जाएगी उस मैसेज को लेके। अब बच्चे ये इसमें क्या होता है कि ऑसिलस में और जो हमने नेक्स्ट पढ़ना है, जो नेक्स्ट हमने स्टडी करनी है, उसमें क्या फ़र्क है कि ऑसिलस में ना बच्चे इमेज नहीं बनता, जस्ट लाइट डायरेक्शन और लाइट इंटेंसिटी के लिए ये क्या है, यूँ कह लें कि ये उसके लिए सेंसिटिव है, जबकि इमेज इसमें कोई फॉर्म नहीं होता, इमेज फॉर्मिंग नहीं होती। ये आपको नज़र आएंगे एनिलीड्स में, मोलस्का में और आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। मतलब कि जो ऑसिलस है वो जस्ट लाइट डायरेक्शन को और लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर रहा है, इमेज फॉर्मिंग ऑसिलस नहीं करवा सकता, ठीक है। और सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है कि आपके पास एक लेयर है, एक कपलाइक एपिथेलियल लेयर है, ठीक है, जो कि सेंसिटिव है फॉर द लाइट। उसके बैक पे आपको क्या नज़र आ रहा है, रेटिन्यूलर सेल्स नज़र आ रही हैं, उसके अंदर पिगमेंट है, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है। जब लाइट फॉल करेगी तो एक जनरेटर पोटेंशियल इनिशिएट होगा इन द सेंसरी न्यूरॉन्स एंड दिस जनरेटर पोटेंशियल विल गो टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द मैसेज विल प्रोसेस देयर। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड आई। कंपाउंड आई को अगर हम देखें तो बच्चे इसमें क्या होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ओमाटीडिया होते हैं। ये देखें, दिस वन इज कंपाउंड आई एंड दिस हैव थाउजेंड्स ऑफ ओमाटीडिया। सिंगल को हम ओमाटीडियम कहते हैं। बच्चे अगर इसको बड़ा करके हम देखें तो ये आपको जो है ना एक क्या है कि एक कन्वेक्स शेप बना रही है। ये ओमाटीडिया है, ओमाटीडियम है एक एक, और कलेक्टिवली हम इसे ओमाटीडिया कह रहे हैं। बच्चे ये क्या है कि हर ओमाटीडियम के साथ क्या होती है, एक सेंसरी न्यूरॉन अटैच होती है और फिर ये न्यूरॉन कलेक्टिव होके, इकट्ठी होके ये क्या कर देती हैं, एक सिंगल ऑप्टिक नर्व बना देती हैं। ये आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, अलग अलग होंगी, सेंसरी न्यूरॉन्स होंगी और इकट्ठी होके एक ऑप्टिक नर्व बना देंगी, हर ओमाटीडियम के साथ एक सेंसरी न्यूरॉन होगी।
बच्चे ओमाटीडिया जो है ना, ये किस तरह से इमेज फॉर्म करवाता है कि अब इसमें क्या होगा कि हर ओमाटीडियम जो है ना, ये एक स्पेसिफिक पार्ट को देखेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्लोब है, नक्शा है, ठीक है, गोल आपने देखे होंगे, ग्लोब देखे होंगे, उसके अंदर जो क्या है कि कंट्रीज़ हैं और जो यूँ कह लें कि सिटीज़ हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या है, ओमाटीडिया है, ठीक है, ओमाटीडिया है, कलेक्टिवली आप उन्हें ओमाटीडियम कह लें, वो सारे सारे छोटे छोटे, मतलब कि अब अगर ये एक कंपाउंड आई है, अगर मैं इसके सामने खड़ी हो जाऊं तो ये क्या करेगा, हर ओमाटीडियम जो है वन पार्ट, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर इसके सामने ये पार्ट आ रहा है तो ये इसको जूम करेगा, सेकेंड वन जो है हो सकता है मेरे इस पार्ट को जूम करे, ये वाला इस पार्ट को जूम करे, मतलब हर पार्ट को एक अलग ओमाटीडिया जो है वो जूम कर रहा होगा, देख रहा होगा उसे, और कलेक्टिव इमेज जो है यहाँ से हर सेंसरी न्यूरॉन जब अपना मैसेज भेजेगी, ऑप्टिक नर्व जब इसको लेके जाएगी आगे ब्रेन की तरफ, तो एक कलेक्टिव इमेज वहाँ पे जाके फॉर्म होगा। बच्चे ये आपको क्या है कि ओमाटीडिया जो है ये आपको फोर कलर विजन देते हैं। आपको ये हनी बी में नज़र आता है। हनी बी जो है बच्चे ये कलर, सेंट और शेप के अकॉर्डिंग जो है ये क्या है कि फॉर एग्जांपल जो अगर हम बात करें हनी बी की, तो हनी बी जो है वो अपने हाइव को, ठीक है, वो चाहे जितना मर्जी ट्रैवल कर ले अपने हाइव की शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने हाइव के कलर से, ठीक है, तो वो क्या कर लेती है, पहचान लेती है कि इस फूल से मैंने रस लेना है और वहाँ पे मेरा हाइव है, मतलब कि उसको याद होता है, वो जो स्ट्रक्चर है, जो इमेज है, वो उसके ब्रेन में इतने अच्छे तरीके से क्लियर होता है, ठीक है। उसके अलावा बच्चे जो ओमाटीडिया हैं ये लाइट इंटेंसिटी को भी क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कम्प्लेक्स आई। कम्प्लेक्स आई बच्चे आपको सिक्विड में नज़र आती है, ऑक्टोपस के अंदर नज़र आती है, ये आपके पास लार्जेस्ट आई है, ठीक है। सिक्विड के अंदर जो कम्प्लेक्स आई है उसे हम क्या कहते हैं, लार्जेस्ट आई कहते हैं, और इसे हम कैमरा आई भी कहते हैं। बच्चे इसमें क्या होता है कि सिक्विड की जो आई है उसका डायामीटर है 38 सेंटीमीटर, ठीक है, और बच्चे ये क्या है कि अगर हम वर्टिब्रेट और सिफोलोपोड जो हैं, ठीक है, सिफोलोपोड हमारे पास क्या है, आर्थ्रोपोड है, अगर हम सिफोलोपोड और वर्टिब्रेट की आई का हम इन दोनों के दरमियान सिमिलैरिटीज़ देखें, तो बच्चे इन दोनों के दरमियान सिमिलैरिटी है कि इन दोनों में क्या होता है, कॉर्निया होता है और लेंस होता है, मतलब कि हमारी आँख कह लो और सिफोलोपोड की आँख, हम इन दोनों में क्या होगा, कॉर्निया भी होगा और लेंस भी होगा, और लेंस जो है बच्चे वो क्या करता है, लाइट को फोकस करता है कहाँ पे, रेटिना के ऊपर। और नेक्स्ट इनकी सिमिलैरिटी क्या है बच्चे कि इनका जो लेंस है या इनकी जो आई है वो सस्पेंडेड होती है बाय द सिलियरी मसल्स, ठीक है, ये जो हमारे आंख के मसल्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, सिलियरी मसल्स। अब बच्चे डिफरेंस अगर हम देखें तो जो मतलब कि कम्प्लेक्स आई और वर्टिब्रेट की आई का अगर हम डिफरेंस देखें, तो जो फोटोरिसेप्टर्स हैं हमारे पास सिफोलोपोड के अंदर वो उनकी रेटिनल लेयर के ऊपर मौजूद हैं, जबकि वर्टिब्रेट में वो डीप इन द रेटिनल सेल्स मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड डिफरेंस है बच्चे वो ये है कि जो वर्टिब्रेट की आई है, फॉर एग्जांपल जो हमारी आई है, हमने जब किसी चीज़ को देखना होता है तो जो हमने अगर अपने मतलब के लेंस को छोटा और बड़ा करना है, ठीक है, तो जो हमारे सिलियरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और हमारी जो आँख का लेंस है उसे छोटा और बड़ा करते हैं, ठीक है, जबकि जो हमारे पास सिफोलोपोड्स हैं, ठीक है, उनमें ऐसा नहीं होता, उनका जो लेंस है वो खुद ही क्या होता है, एक एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास एक्ट करता है। बच्चे मैग्नीफाइंग ग्लास आपने वो ऐसे भी देखा होगा, दस्ते होते हैं, ठीक है, आप जूम करते हो बड़ा करके, जो मैग्नीफाई करके दिखाता है, तो इन्होंने जब किसी चीज़ को बड़ा करके देखना होता है तो इनका लेंस खुद ब खुद हरकत करता है, ठीक है, उसको सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करवाते, बल्कि इनका लेंस खुद ब खुद क्या होता है, उधर हरकत करता है, खुद ब खुद छोटा बड़ा होता है, ठीक है। तो ये इनके डिफरेंस है, और सिमिलैरिटी क्या है कि इन दोनों में अगर हम इनवर्टिब्रेट और सिफोलोपोड की सिमिलैरिटी देखें तो दोनों में कॉर्निया भी है, लेंस भी है, दोनों में जो लाइट है वो फोकस होती है ऑन द रेटिनल लेयर, ठीक है, कौन फोकस करवा रहा है, लेंस करवा रहा है, और उसके अलावा जो आई सस्पेंडेड है विद द सिलियरी मसल्स जो है वो क्या है, सस्पेंडेड है। तो बच्चे ये थे इनकी सिमिलैरिटीज़ और दो इनके डिफरेंसेस हैं। तो आज का टॉपिक जो है उसको हम यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।